43 विधानसभा सीटों पर आज पहले फेज में इलेक्शन और बूथ वोट जो है वो चल रहा है। अब लगातार लोग मतदान केंद्र पे पहुंच के अपना मत का जो है प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस बार जो वोट कर रहे हैं, अपना जो मतदान किया है वो किस मुद्दे को लेकर किया है और किस मुद्दे को लेकर के इस बार वो अपना नेता चुनेंगे। मैम, आपने वोट किया है? नहीं, अभी नहीं किया। अच्छा, इस बताइए इस बार किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? अच्छा नेता हो, जनता का देख रेख करे। ऐसा नहीं कि 5 साल उनका चेहरा ही नहीं दिखे। अच्छा। जो हमेशा दिखे उन्हीं को वोट देना। और भी लोग हैं, बात करेंगे। मैम, आपने वोट किया तो किस मुद्दे पे किया? मतलब किस मुद्दे पे इस बार आपने अपना वोट दिया है? बस हमारी सरकार अच्छा रहे, जो हमारा ख्याल रखे, हमारे प्रॉब्लम को समझे। और तो काफी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस बार जो हमने वोट किया है वो कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि देखिए किस प्रकार से वोट करने का जो उत्साह है उन लोगों का चरम। दादी, कैसे आई हैं आप? देखिए रे बाबू, कैसे आए हैं? अच्छा, अब इससे ज्यादा क्या बताए। अच्छा, ये बताइए कि इस बार किस मुद्दे पे वोट किया है आपने? देखिए तो किस प्रकार से जो लोगों का उत्साह है वो वोट को लेकर के काफी है। लोग ऑटो से, अपने कई कई निजी वाहन से, कई प्रकार से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं बूथ सेंटर पे और अपना जो वोट है उसका प्रयोग कर रहे हैं। सर, आपने वोट किया? हाँ। किस मुद्दे पे आपने वोट किया? हमने मुद्दा मेरा ये है कहना है कि मेरा शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी दूर हो, तीनों को दूर हो, हम उसी को अलग वोट किए। अच्छा, तो फिर हम मुद्दा जो है वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा का बात है, अहम मुद्दा शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा बेरोजगारी है। अच्छा, ये हमको मेन भाव चाहिए। चलिए, तो तमाम जो लोग हैं अपना अपना जो मुद्दा है उसको लेकर के वोट करें। मैडम, आपने वोट किया? किस मुद्दे पे वोट किया आपने? महंगाई पर। अच्छा, ये बताइए महिला है और खास करके जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसको लेके क्या कहेंगे? सुरक्षा महिला का चाहिए। अच्छा, उनसे सुरक्षा चाहिए महिलाओं का, मैंने कहा सुरक्षा सही ढंग से सही जगह पर होना चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, उतना हमको जो हमारे लड़का इस स्टेट को दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए जाता है, उतना उपलब्ध सुविधा नहीं है। तो तमाम जो लोग कहने का मतलब है इनका कि काफी जो शिक्षा के लिए अन्य राज्य जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वो सुविधा अगर झारखंड में मिले तो ज्यादा बेहतर है। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करें। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है? आप फर्स्ट टाइम वोट किए हैं जी। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि आप युवा हैं और इस बार जो आपने वोट किया है, फर्स्ट टाइम वोट किया है, वो किस मुद्दे पे किया है? किस मुद्दे पे किया है? अच्छा, चलिए तो और भी लोग हैं, बात करेंगे। आपने वोट किया जी सर? किस मुद्दे पे किया? बस हम लोग का सही संभाला बस्ती में काम हो, इसलिए। तमाम जो लोग हैं वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पे पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार जो हमने वोट किया है वो शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, तमाम जो चीज है उसको लेकर के किया है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने इस बार वोट किया है, किस मुद्दे पे आपने अपना मत दिया? पहला तो एजुकेशन है, दूसरा बेरोजगारी। अच्छा, इसी दोनों को मुद्दे पे दिया है मैंने वोट। अच्छा, जो अभी वोट करने नहीं निकल रहे उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वोट तो इस बार देना चाहिए, बिकॉज अगर बदलाव लाना है तो वो जरूरी है हमारे लिए, वोट होना चाहिए। अच्छा, और अभी आज देखा तो थोड़ा सा जा रहा है कि लोग कम आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए शाम तक का माहौल क्या रहता है। इस बार जो लोग हैं वो अभी तक लगातार देख सकते हैं, यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि इस बार जो है ज्यादा भीड़ नहीं दिख रहा है जो मतगणना केंद्र, माफ कीजिएगा, जो बूथ है वहाँ, और लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि अब समय भी अब कम बचा है, ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो मतगणना, माफ कीजिएगा, बूथ पे पहुंच करके अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी जो नए वोटर हैं वो भी पहुंच रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर जिसको कह सकते हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। सर, इस बार आपने वोट किया अभी तक? हाँ, कर दिए। किस मुद्दे पे इस बार वोट किया आपने? मुद्दा क्या रहेगा, कोई भी मुद्दा रहे कोई बेकार है, कुछ नहीं करना, जिसको देना दे दीजिए, माइंडसेट है बस। आपने वोट किया जी? अभी देने जा रहे हैं। अच्छा, अभी देने जा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे?
हम तो कमर छाप को ही देंगे। अच्छा छाप नहीं, किस मुद्दा? अच्छा ये मतलब बहुत सा चेंजिंग कराना है मुझे, बहुत चेंज नहीं हो रहा है बहुत साल से, तो चेंज कराना है इस वजह से। अभी वोट करने आएंगे? हाँ अभी जाएंगे। अच्छा फर्स्ट टाइम वोट करेंगे क्या? हाँ ये वाला फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। अच्छा बताइए किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मेरा मुद्दा यही है कि हम लोग को अच्छा नौकरी मिले, बिकॉज अभी यूथ के लिए तो हमें मतलब जॉब का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो इसी भरोसे से आया है कि कुछ चेंजेस आएगा जो बेरोजगारी वो हटेगा। तो बहुत लोग इस बार फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं लगातार बूथ पे, और इनका कहना है कि युवा हो और तमाम जो लोग हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है और स्वास्थ्य की सुविधाएं है, वो मुद्दे पर हम इस बार वोट करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते हैं न्यूज़ बाय स्कोप, धन्यवाद।